हे भोलेनाथ, एक महीना हो गया दवाइयाँ खाते खाते, मगर अभी तक हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। कुछ कीजिए भोलेनाथ, इससे पहले कि हमारी आंखों के दिए हमेशा के लिए बुझ जाए और हम हमेशा के लिए नहीं 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 ऐसा सोच भी नहीं सकते हम हमारे बारे में। कुछ कीजिए, घंटी कहाँ गई? ये तो दिया है। जय भोलेनाथ। हम दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ हाँ, इतने भी धुंधला नहीं गए हम, सब दिखाई दे रहे हैं। ये लो प्रसाद। पुष्पा, पुष्पा जी। दे, तुम्हें तो दे रहे हैं। क्या लग रहा है पुष्पा जी आपको, है? आप छुपा लीजिएगा, चुपचाप चल के ना खुदे से सबको बता दीजिए। ना 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 ना, मैडम सर को अगर पता चल जाएगा ना तो वो हमारे हाथ में हमारा वीआरएस लेटर थमा देगी। हाँ, और रिटायर होने से पहले हम रिटायर हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे रिटायर नहीं होना है हमें चीते। रिटायर अगर होंगे ना तो पूरे सम्मान और इज्जत के साथ होंगे, कम से कम एक केस सुलझाने के बाद ही होंगे। तुमको तो इसलिए बताया ना बेटा क्योंकि तुमने हमको वादा किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे और तुम हमें कभी फंसने नहीं दोगे। नहीं पुष्पा जी, हम अपने वादा पर रहेंगे। ये बात हम ना ही हसीना मैडम को बताएंगे, ना ही करिश्मा मैडम को। लेकिन संतोष जी का क्या करें? आप तो जानती है कि संतोष जी हमारी कितनी ज्यादा अपनी है और उतनी ही ज्यादा उनके हम अपने हैं। तो संतोष जी को बता दे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। नहीं, संतू को तो बिल्कुल नहीं बताओगे तुम। अगर संतू को पता चल जाएगा ना तो जब तक ये बात सारी दुनिया को नहीं पता चल जाती उसके पेट में मरोड़ उठते रहेंगे, इसलिए उसे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़े दिनों में हमारी आंखें पहले जैसी ठीक हो जाएंगी, फिर हमें सब अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। और वैसे भी चीते, हमने पूरे थाने का अच्छे से रट्टा मार के रखा है। सब पता है हमें कौन सी चीज कहाँ रखी है, इसलिए यहाँ पकड़े जाने की संभव नहीं नहीं है। क्या बात कर रही है सच्ची? देखना है तुम्हें? हाँ, देखो। पुष्पा जी, अरे आज ही खर्च हो गई। ये तो अचानक मुड़े ना तो ये आ गया ना सामने, इसलिए। हाँ। अब देखो तुम। एक दो तीन चार पांच, संतु की टेबल। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, हमारी टेबल। एक दो तीन चार, हाँ, इस बार नहीं टकराएंगे हम, पता है हमें यहाँ खंबा है। एक दो, करिश्मा जी की टेबल, और ठीक दाहिने तरफ मैडम सर की केबिन। एक दो तीन चार पाँच, आ गए हम तुम्हारे सामने। पुष्पा जी, वाह, क्या अनुमान है आपका, मतलब एकदम एकदम परफेक्ट। हाँ हाँ, तो हर चीज रटी हुई है हमने, यहाँ तो पकड़े जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और हमारे तेज दिमाग को तो तुम जानते ही हो, कदमों की आहट से पहचान सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ तो सच्ची देखो, मैडम सर आ रही है। संतु जी, मैडम सर आ, अरे उन्हीं का टाइम हो रहा आने का। संतु जी, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, तो पुष्पा जी एक काम करिए, आप नवाब चौक की ड्यूटी पर जाइए, वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग ठीक से रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए आप वहाँ जाइए और वहाँ का सब कुछ संभालिए, ठीक है? और हाँ पुष्पा जी, बिल्कुल लीनियंसी नहीं, मेक श्योर हर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे, और जो ऐसा ना करे सीधे जेल में डाले, किसी के साथ भी लीनियंसी बिल्कुल नहीं, क्लियर? हाँ 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 जी मैडम सर। ओके, जाइए। मैडम सर, हम क्या कहते हैं, क्यों ना हम चीते को साथ लेकर जाए हमारे? हाँ 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 मैडम सर, हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी अगर आप ठीक समझे तो, वरना ले जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी। जी, ये चश्मा इस बार आपको डॉक्टर ने कब तक पहनने के लिए कहा है? कुछ ही दिन और, मतलब एक आध महीना बस। आपको ठीक से दिखाई तो दे रहा है ना सब कुछ? हाँ हाँ, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम साफ सुथरा, टेबल पर बैठी मक्खी भी साफ दिखाई दे रही है हमें, वो देखिए उड़ गई। जस्ट उड़ी है। उड़ गई।
ठीक है चीता, ध्यान रखना जी। चीते पुष्पा जी कैसे चलिए ट्रैफिक पर। हाँ हाँ चलो आई आई। चलिए हाँ। अभी सिग्नल कौन सा चल रहा है? अरे ये वन वे वाला चल रहा है पुष्पा जी, है ना? हाँ तो फिर इससे पहले कि ये सिग्नल बदल जाए फटाफट जाके चाय लेकर और खाने के लिए कुछ लेकर आ जाना, यहाँ हम सब देख लेंगे। अब देख लेंगे यहाँ पर सब कुछ अब। मतलब जितना दिख रहा है उतना तो देख ही लेंगे ना पुष्पा जी। आपको जितना दिख रहा है ना उसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। मानिए ना बात, देखिए ना कितना ट्रैफिक है भाई, थोड़ा सा कम हो जाने दीजिए, उसके बाद से जाते हैं और लेते आएंगे आपके लिए चाय। अरे थोड़ी सी देर में क्या ही होगा, सिग्नल बदल जाएगा, अभी जाना बेटा जाना। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, संभाल के रहिएगा। चलो चलो बाबू। तेरे लिए टोनी के लिए कोई सिग्नल नहीं होता। चल आगे बढ़ा, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? जब आपको मैंने समझाया था कि जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं होगा तब तक मैं आगे गाड़ी नहीं बढ़ाऊंगा, एक बार में समझ भी नहीं आता आपको? बेवकूफ हो क्या, एक नंबर के बेवकूफ हो बेवकूफ। बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तू जानता नहीं मुझे, अब मैं तुमको तोड़ूंगा। कहे कि क्रिकेट के मैदान में धोनी और सड़क पे टोनी, नो कंपटीशन ऑलवेज हिट। अब मैं बताता हूँ तुमको। क्या हो गया अब, ये क्या किया तुमने? अरे ये आंख किसको घूर रहा है? मैं आंख निकाल के गोटी खेल लूंगा, जानता नहीं? रुको मैं पुलिस को बुलाता हूँ, रुको रुको पुलिस पुलिस पुलिस। पता नहीं चीता कहाँ रह गया, चाय लाने के लिए भेजे बस चाय लाने के लिए, अभी तक नहीं आया नालायक। एक मिनट तो बहुत खतरनाक पुलिस है, मारेंगे ना सीधा अस्पताल में, आग खुलेगा तुम्हारा। क्या लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? अरे मैडम मैंने देखा है, सारी गलती ये नीले शर्ट वाले की है, सबसे पहले इसी ने हाथ उठाया था, आप इसको अंदर करिए, आपने तो देखा है। अरे क्या कुछ भी, ये सफेद शर्ट वाले ने उठाया था नीली शर्ट वाले पर हाथ, ये सफेद शर्ट वाले को पकड़िए ना। मैडम जी आपने सब कुछ देखा है ना? अरे क्या देखा है देखा है, कुछ ठीक से दिखाई दे तो देखे ना। बताता हूँ सर, ये जो सारी गलती है ना
ये सोने की दुकान वाले की गलती है, उसको कितनी बार बोला ये साइड का सिग्नल है, अबे पहले उसको बंद होने दे, उसके बाद मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी, सुनने को तैयार था, मेरी गाड़ी का हैंडल का कार तोड़ दिया, सारी गलती इसकी है। एक मिनट जीते, ये नीले शर्ट वाले को पकड़ो, अंदर लेके चलो। हाँ, हमने देखा है ये सारा झगड़ा इसी ने शुरू किया, उसको लेके चलो, चलो। एक मिनट सर, ये मैडम ये क्या कह रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, आपको पता तो है ये गलती सारी इस आदमी की है। देखो देखो, तुमको जो कुछ भी कहना है ना, थाने चल कर कहो। अभी चलो जीते, लेके चलो। मेरी गाड़ी तो ले लो। हाँ लेकर आओ, चलो। देख रहे हो भैया, पुलिस की देर कर दी, सबने देखा था गलती उस सफेद कमीज वाले की थी। हाँ। फिर भी पुलिस ने पकड़ा उस नीली कमीज वाले को। देख भाई, ऐसा है, जिसकी गांठ पैसा उसको डर कैसा। मुझे तो लगता है ना, ये पुलिस वाली मैडम ने रिश्वत ली है वो व्हाइट कमीज वाले से। चल सर, सर एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ सर, मेरी बात सुनिए प्लीज। चलो बेटा चल। ये क्या है, जब भी देखो किसी को भी उठाकर मेरे बिल्डिंग निवास में डाल दे तो नहीं, पिछले वाले रूम में डाल दो। हो गया सफाई तुम्हारा, चलो बेटा चलो। अरे सर, अरे सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, या तो ये मैडम को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ये देखकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सारी गलती ये ज्वेलरी की दुकान की है, इसी ने सारा झगड़ा शुरू किया था। देखो बकवास बंद करो, हमने देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, सबसे पहले तुमने इन्हें मारा, समझ गए ना संतु, FIR लिखो। आइए आप आइए। अरे एक मिनट, क्या पुष्पा जी, का FIR लिखो? अरे छोटा मोटा मामला लग रहा है, अभी समझा बुझा कर निपटा देंगे, का FIR लिख के हर रजिस्टर भी भरेंगी आप, ये लॉकअप भी भरेंगी आप, जाने दीजिए। हाँ भाई जाने दो, चलो। ऐसे कैसे जाने देते, FIR तो चल होगी ही, इसको भी तो पता चलना चाहिए किससे पंगा लिया है। अरे क्रिकेट के मैदान में धोनी और सड़क पे टोनी, नो कंपटीशन। देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती इसी की है, ज्वेलरी की दुकान झूठा। अच्छा तो निकलो तुम, चलो। ए बिल्ले, एक मिनट चीते, हट। देखो ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारी गलती है सारी, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तो फिर माफ कीजिए मैडम, जाकर अपने आंखों का नंबर चेक कराइए, क्योंकि आपको तो शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सारी दुनिया ने देखा है कि गलती इस ये ज्वेलरी की दुकान की है, सारा झगड़ा इसी ने शुरू किया था। एक मिनट, पुष्पा जी हमको भी ऐसा ही लग रहा है। क्या? नहीं, हमें सब दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये चार ये पांच। कहाँ बकैती कर रही है, चार पांच? अरे हम कह रहे हैं हमको ये सोने की दुकान गलत लग रहा है, और ये जो अंदर है ये तीर से निकला कमान, ये इनोसेंट लग रहा है हमको। सच्ची में आपने सही देखा था कि ये गलत और ये सही है? हाँ हाँ, हमने देखा है, हमारी अपनी आंखों से देखा है। अरे इकबाल, आज तुम चाय लेकर आए? हाँ आज क्या है ना, बदनाम भाई दो दिन के लिए कहीं गए हुए हैं, तो अभी दो दिन दुकान जो हमारी चाय हमारे टेबल पे रख दो, हम ले लेंगे। अरे यहाँ तक आए हैं तो दे देते ना। अरे कह रहे हैं हम, वहीं पे रखो हमारे टेबल पे, हम ले लेंगे। ए, क्या टाइम पास हो रहा है, ये FIR लिखा जाएगा कि नहीं, कि मैं जाऊं सीनियर के पास? नहीं, लिखते हैं ना, लिखते हैं। संतु हम चाय पी रहे ना, FIR लिखो। कह रहे हैं सुलह करा देते हैं ना, हो जाएगा, सुलटा देते हैं, जाने दीजिए आप। इसे कैसे जाने दे, बात तो बढ़ गई, अब FIR तो होगी होगी, अब नहीं लिखोगे तो मैं जाता हूँ सीनियर के पास। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, संतु लिखो, हम चाय पी रहे ना, तुम लिखो। हाँ आ जाओ, बैठिए। बताइए सर, नाम क्या है आपका? हाँ, क्रिकेट के मैदान में धोनी, सड़क पे टोनी, नो कंपटीशन। जी मैडम सर, आपने हमें बुलाया। पुष्पा जी कहाँ देख रही हैं आप, हम तो यहाँ खड़े हैं। हाँ पता है हमें, आप यहाँ खड़ी थी, हमने देखा, बस हम तो आपकी कुर्सी को उसका मान दे रहे थे, मतलब हमारे पिताजी कहा करते थे, इंसान अपने योग्य कुर्सी नहीं ढूंढता,
कुर्सी अपने योग्य इंसान को ढूंढती है, जैसे कि आप। देखिए ना, आप जैसे ये कुर्सी पर बैठती है ना, कितना मान बढ़ाती है इस कुर्सी का। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि आज कुर्सी को उसका मान दिया जाए, तो इसीलिए हम ऐसे बात कर रहे थे, वो हम ऐसे आ रहे थे। कभी कभी आपकी बातें हमें समझ नहीं आती पुष्पा जी, पर चलिए पहले न्यूज देखते हैं। दर्शकों, लोगों में पेशेंस कितनी कम हो गई है और ईगो और फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ गई है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आप सड़क पे हो रहे किसी भी रोड रेज केस को उठाकर देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों के बीच में मामूली झगड़े कितना बड़ा गंभीर रूप ले लेते हैं। ऐसा ही एक नजारा हमें आज देखने को मिला अमीनाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोतीपुरा चौक पर, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती पर गाड़ी रोकने के चक्कर में दो पक्षों में झगड़े हुए। अब झगड़े इतने ज्यादा गंभीर हो गए कि झगड़े हाथापाई तक पहुंच गए और उसके बाद थाने तक। पर वहां पर मौजूद लोगों का कहना कुछ और ही था। आइए इन लोगों से जानकर हम देखते हैं कि उनका क्या कहना था। हाँ, अब ठीक से दिख रहा है। सर, सर ये जो भी झगड़ा हुआ, आपका इस बात पे क्या कहना है? बहुत गलत हुआ है जी, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उस समय वहीं था। उस सफेद कमीज वाले इंसान ने, जिसने भर भर के सोना पहना हुआ था ना, उस नीले कमीज वाले इंसान को बहुत मारा। और पुलिस वाले ने नीली कमीज वाले को उठाकर बंद कर दिया। ये तो नाइंसाफी है सर पुलिस वालों को। और तो और, मुझे तो लगता है कि ये जो पुलिस वाले हैं ना, इन्होंने रिश्वत लिया उस सफेद कमीज वाले इंसान से। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। पुष्पा जी, आपने ठीक से देखा था ना कि गलती नीले शर्ट वाले की ही थी? हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे अब ये मामला तूल पकड़ रहा है और आप मीडिया वालों को बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें बहाना चाहिए किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताने का। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल को ये अगर वीडियो वायरल हो गया तो वो खामखा बात का बतंगड़ बना देंगे। इसलिए हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं, आपने उसी आदमी को पकड़ा है ना जिसकी गलती थी? जी जी मैडम सर, बिल्कुल, हमने देखा, वो नीले शर्ट वाले की गलती थी, उसने शुरू किया सारा झगड़ा। ठीक है, फिर हम सही तो सब सही। वैसे भी पुलिस वालों पर इस तरह के इल्जाम तो लगते ही रहते हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने जरूर आएगा। ये आपने जिसको पकड़ा उसका नाम क्या बताया? रमित। अगर इस रमित की गलती है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। हम जाए? हाँ हाँ, आप जा सकती हैं। जी जी मैडम। एक दो तीन। आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। माय नेम इज बॉन्ड, डरो मत, मैं ही हूँ। ये देखो लाल पर्दे वाला, कम टू द पॉइंट, मैं अभी तुम्हें कयामत जी से मिलाने जा रहा हूँ। आओ जल्दी आओ, फांसी लग जाएगी। रुको। छोड़ दो कयामत जी, आ जाइए। बैठो। टर्न एंड सिट। ओके। कोई नहीं छोटा बॉब, आया हूं तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैडम, मेरे पति निर्दोष है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। थोड़ा जोर से बोलिए। मैडम, मेरे पति निर्दोष है, आप उन्हें इंसाफ दिलाइए। हमारी क्या बवाल है? ये ऐसा ही बवाल है। ऐसा कैसा बवाल है? इनके हारमोनियम में दो ही सुर है, एक तीव्र एक कोमल, बीच के सारे सुर डैमेज है। समझ गए। हाँ तो आप रमित की वाइफ है जिसे मोतीपुरा चौक में हेड कांस्टेबल पुष्पा जी ने पकड़ा था रोड रेस के केस में, राइट? आपका कहना यह है कि आपके पति बेगुनाह है? हाँ, पूरी तरह से बेगुनाह है मैडम। मैडम वो तो इतने सीधे साधे शरीफ सज्जन इंसान है कि वो कभी किसी से झगड़ा ही नहीं कर सकते। वो इतने अच्छे हैं कि मुझसे भी नहीं झगड़ा करते, वो तो महापुरुष है मैडम। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे पति बेगुनाह है, ये बात तुम जानती हो, ये बात मैं जानती हूँ, ये बात छोटा बॉन्ड जानता है, पर ये बात सब नहीं जानते। सबको कैसे प्रूफ करोगी कि तुम्हारे पति सही है? कोई सबूत है तुम्हारे पास?
है ना मैम सबूत? क्या सबूत? हाँ मेरे पास है सबूत, दिखाओ। ये देखिए मैम, इसकी करतूत। इसके पहले भी ऐसे ही केस दर्ज हो चुके हैं। ये हमेशा ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहता। मैम मेरा पति निर्दोष है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मेरी गाड़ी को हट करेगा करेगा? नहीं करेगा। सड़क पे टोनी और क्रिकेट के मैदान में धोनी। मैडम मैं रमित से मिलने पुलिस स्टेशन गई भी थी, वहाँ पे वो लेडी बुढ़ी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है वो। अच्छा तो मैं उनको ये वीडियो भी दिखा रही थी, तो उन्होंने देखा भी नहीं और मुझे ऐसे ही भगा दिया। तो इसका मतलब मैं सही थी, ये टोनी बहुत बड़ा गुंडा है और जब सड़क पे चलता है तो उसको लगता है वो सड़क का बाप है और आसपास रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। अब टोनी का सामना कयामत से होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।